वोट करने के लिए मुंबई का बहुत एक्साइटेड नजर नहीं आ रहा। मैं इस समय जैसे ही लैंड हुआ हूँ, मैं घर जाके वापस आया और मैं वोट करने पहुँचा हूँ। अब ये मैं नहीं बता सकता क्यों नहीं आ रहे, वो मेरा काम है नहीं। मैं मुंबई कर होने के नाते लोगों से अभी भी कह सकता हूँ, अभी भी समय है। इस वक्त 3:30 हो, अगर मैं कहता हूँ तो डेढ़ घंटे और है, लोग आना चाहे तो बेशक आ सकते हैं। अफसोस है अगर नहीं आ रहे, पर लेकिन वो उनकी अपनी कारण होंगे, अपने रीजंस होंगे। मी एज अ मुंबईकर, आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम डिसाइडिंग द राइटफुल पीपल हु शुड बी देयर टू टेक केयर ऑफ आवर सिटी। सो आई एम हियर। जी मैम, एक से फिर से रिपीट कीजिए। किन मुद्दों को देखते हुए आपने वोट किया है? देखिए, मुद्दे अभी सैकड़ों हैं, इधर चर्चा करेंगे तो रात हो जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी है, मैं ये मानता हूँ कि टुडे व्हेन आई गेट आउट इन दिस सिटी, आई लव दिस सिटी, वी हैव ग्रोन अप हियर। हम लोग इतने सारे लोग यहाँ पे आते हैं, उनकी जिंदगी बनती है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह है उस तरह रहे, लेकिन वी हैव टू इम्प्रूव द सिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, हमारे रोड्स को देख लीजिए, वेदर इट्स वाटर, वेदर इट इज़ जस्ट बेसिक रोड्स प्लानिंग वगैरह, इन सब चीज़ों में मैं चाहूँगा कि लोग ध्यान दें। अब मैं ये मानता हूँ जिनको मैंने वोट किया, मैं मानता हूँ कि वो इस वक्त शायद ज़्यादा ध्यान दे पाए मेरे इलाके का, तो देखते हैं। इतना आसान नहीं होता। सॉरी, लोकल मुद्दे ध्यान, देखिए नेशनल इलेक्शन तो हो चुका, अब थोड़ा लोकल भी होना पड़ेगा। तो यू टू कीप इन माइंड व्हाट यू आल्सो बिलीव एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट यू कैन आल्सो डू। हम हमेशा पॉलिटिशियंस पे जोर डालते हैं, वी हैव टू आल्सो चूज द राइट पीपल। सरकार वही मिलती है जो आप चुनते हैं, हमेशा याद रखिए। तो लोग नहीं आ रहे वोट करने, तो उनका हक नहीं है कि वो फिर उसके बाद। मैंने अभी की, मैंने वही तो कहा कि लोग जो लोग आना चाहते हैं। मैम देखिए, मैं मेरे अपील करने से अगर आते तो अभी तक आ चुके होते। लेकिन सच्चाई यही है दैट पीपल लिसन, इफ़ यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द चेंज, यू टू बी पार्ट ऑफ द वोटिंग सिस्टम। इफ यू वॉन्ट टू सी अ चेंज, यू हैव टू मेक दैट एफर्ट टू टेक आउट टाइम फ्रॉम योर डे एंड कम आउट। देर इज नो रीजन, देर इज अ पार्शियल हॉलीडे टुडे गोइंग ऑन, देर इज नो रीजन फॉर यू ऑल नॉट टू बी हियर। सो इफ यू आर नॉट, देन यू टू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आप हिस्सा नहीं है वोटिंग का, तो फिर आपको किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है कि आप कंप्लेन कर पाए। एंड जैसे मैंने कहा, सिस्टम जो आप चुनते हैं वही आपके लिए फिर मौजूद होता है। तो इफ टुडे यू आर नॉट चूजिंग समबडी, मे बी समबडी नॉट राइट विल कम इन टू पावर, एंड देन यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो यू विल हैव टू लिव विद इट। अफसोस है, लेकिन अब जो है वो है। बट थैंक यू।